हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, हम अपने पोल्ट्री में पर्सनली कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं और किस डिसीज़ पे यूज़ करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कफ सिरप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा मेडिसिन है, सबसे सस्ता हमें यही मेडिसिन पड़ रहा है, ये जो कि ह्यूमन बॉडी में यूज़ होता है, अस्थालिन, जो कि ये 14 रुपये का, मात्र 14 रुपये का मिल जाता है। इसको हम पोल्ट्री में भी यूज़ करते हैं और फिर जो है ह्यूमन बॉडी में भी यूज़ तो होता ही है। ओनली ये ह्यूमन बॉडी के पर्पज़ से बना हुआ है, लेकिन हम पोल्ट्री में यूज कर सकते हैं इसको। और ये भी कफ सिरप अच्छा है। इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं रिस्पज। ये अपना हर्बल प्रोडक्ट है, कफ सिरप में ये रिस्पज और एनुमिनिन और फिर ये सीआरडी चेक देख लीजिए। तो ये तीनों जो है, ये तीनों प्रोडक्ट जो है हर्बल है, और जो कि कफ सिरप में सबसे बेटर की बात करें, अगर सबसे बेटर कफ सिरप कौन सा काम करता है इन सब में, तो सबसे बढ़िया कफ सिरप यही है यार, सीआरडी चेक। और इसके बाद हम बात करें अगर दूसरे कफ सिरप की, तो ये ब्रेंकोटार है। इसमें आप देख लीजिए फार्मूला, और ये भी बहुत बढ़िया है। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ये देख लीजिए मिंटोसॉल, इसको ड्रिंकर में भी दे सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो फार्म में पूरा एकदम विक्स की तरह माहौल हो जाता है। और ये भी यही है मिंटोसॉल के जैसा, जीरेप्स फोर्ट। और इतना सारा हमारा ये कफ सिरप है। और इसके बाद हम दूसरे मेडिसिन की बात करें, तो ये है अपना विंटो केयर, जो कि ठंडी में बर्ड को जो है गर्म करता है। तो अभी तो ठंडी ख़त्म हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में शायद कुछ ठंडी पड़ रही होगी, तो वहाँ के लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये बर्ड के बॉडी को हिट करता है। इसके बाद हम बात करें अगर, तो ये IBH किल्ड, ये अपना जो भी वायरल डिसीज़ होता है और IBH से रिलेटेड जो भी, तो उस पर ये बहुत बढ़िया मेडिसिन काम करता है। और उसके बाद ये गैम्बोरोक, ये गैम्बोरो डिसीज़ पे बहुत बढ़िया काम करता है। और गैम्ब्रो का जो भी सिम्टम्स होता है, जैसे ये लेग पे जो है रेड स्पॉट, और उनके ये लेग पे जो रेड का चीता चीता पड़ जाता है, खून का धब्बा उस पर, और अगर वर्षा भी कुछ ज़्यादा सूज जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो उस पर भी ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करता है। और ये जो आप दोनों देख रहे हैं ना, IBH किल्ड और ये गैम्ब्रो रोग, दोनों जो है होम्योपैथिक है। और इसके बाद हम बात करेंगे ये एसीफाई और सुकरीना की। तो ये एसीफाई देख लीजिए आप, और ये जो है पानी का पीएच लेवल सही करता है। और बाकी ये जो है सुकरीना, ये जो है पानी का पीएच लेवल और TDS दोनों सही करता है। तो अगर आपका TDS सही है, खाली पानी का पीएच लेवल गड़बड़ है, तो ये एसीफाई यूज़ करिए। और अगर पानी का पीएच लेवल ठीक नहीं है और TDS भी ठीक नहीं है, तो ये सुकरीना यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम की, जो कि अभी जो है बहुत, काफ़ी भाइयों के फार्म में जो है ये लंगड़ापन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका मेडिसिन, तो ये देख लीजिए कैल्विट 12। इसमें जो है ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, B12 एंड लीवर एक्सट्रैक्ट, इतना है। और इसके बाद ये कालगोफास देख लीजिए। और अगर इन दोनों में अगर हम बात करें कौन सा बहुत बढ़िया है, तो कालगोफास बहुत अच्छा है यार, ये कैल्विट से अच्छा काम करता है ये कालगोफास। और अगर आपके भी फार्म में अगर ये ऐसा ये लंगड़ापन वाली सिम्टम्स दिख रही है, छोटा भी बर्ड है या बड़ा भी बर्ड है, जैसे भी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं।
और दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर यही है कालगोफास। और इसके बाद हम बात करेंगे लीवर टॉनिक की। तो लीवर टॉनिक हमारे पास अभी चार है, ये ब्रोटोन टॉक्सॉल, और ये जीप्रोमिन, और ये ल्यू 52 PFS, जो कि ये ओनली पोल्ट्री में ही यूज़ होता है और एनिमल का अलग होता है, तो वो भी पोल्ट्री में यूज हो सकता है लेकिन इतना बढ़िया काम नहीं करता है वो। और सबसे पहले ये देख लीजिए जीप्रोमिन, इसको कुछ लोग जो है ग्रोथ बूस्टर भी बोलते हैं, ये कुछ ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी ये, हाँ सच में ये काम में आता ही है ग्रोथ बढ़ाने में भी और लीवर टैनिंग में भी अच्छा है। और इसमें सबसे सस्ता की बात करें तो सबसे सस्ता अपना ये टॉक्सॉल है, जो कि लीवर टॉनिक ठीक है, ये भी ठीक है। और अभी ये ब्रोटोन देख लीजिए, और ब्रोटोन अभी ये गर्मी में ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसका ये इसमें जो है कुछ कुछ बर्ड जो है अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो कुछ बर्ड जो है रेड हो जाते हैं, रेड उनके, हाँ उनका पेट जो है थोड़ा थोड़ा रेड होने लगता है। तो इसको आप लोग जो है गर्मी में मत यूज करिए, अगर यूज़ करना है तो ये तीन मेडिसिन, ये ल्यू 52 टॉक्सॉल और फिर जीप्रोमिन, यही सब कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे ये किडनी फ्रेशर की। तो आप देख लीजिए ये कॉर्निफोरसिल, नीरी और फिर ये नेफ्रोगार्ड, यही है हमारे पास अभी। और कॉर्निफोरसिल के बारे में बात करें तो कॉर्निफोरसिल इसमें सबसे बढ़िया है, और नीरी भी आता है ह्यूमन बॉडी में के लिए, लेकिन ये भी जो है पोल्ट्री के लिए, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है यार। और फिर ये नेफ्रोगार्ड, इसमें सबसे सस्ता नेफ्रोगार्ड है, तो आप जो भी मेडिसिन लेना चाहें इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबायोटिक मेडिसिन की, जो कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है माइक्रोगार्ड। और ये अगर आपका बर्ड जो है पतला बीट कर रहा है एकदम पानी की तरह, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसको चला सकते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक, तो लिविसिन सिटी है हमारे पास, इंड्रोसिन BH है, और ये फार्मासिन 100% है। इसके बाद नीमोक्लॉक्स डी, और फिर ये अपना जो है नियोडॉक्स फोर्ट। तो इतना सारा मेडिसिन हमारे पास हाँ एंटीबायोटिक का है। इसमें अगर सबसे महंगा की बात करें यार, तो ये फार्मासिन है 100%, ये टाइलोसिन इसमें 100% होता है, और बाकी ये लेविसिन सिटी और इंड्रोसिन BH। अगर आपके फार्म में बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो आप जो है यहाँ पे इंड्रोसिन BH दे सकते हैं, और अगर आपके फार्म में जो है ये CRD का ज़्यादा इशू है तो आप फार्मासिन दे दीजिए, वो सही हो जाएगा एकदम। और लेविसिन सिटी भी सही है, और बाकी ये सब एंटीबायोटिक आप देख सकते हैं। इसके बाद एंटीकॉक्सिडियल, तो सबसे पहले ये अपना सुपर कॉक्स है, और इसके बाद ये है देख लीजिए ESB3, और इसके बाद एम्प्रोलियम है, और ये अपना डुआप्रीम है। तो अगर हाँ अगर आपके आपके बर्ड में जो है एंटीकॉक्सिडियल की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे खून के धब्बे वगैरह, और फिर जो है उनका बीट वगैरह खून टाइप अगर कुछ है ऐसा कुछ, तो इसमें से कोई भी मेडिसिन आप दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। इसके बाद टॉक्सिसिटी की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके फार्म में जो है टॉक्सिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, बीट वगैरह उनका कुछ गड़बड़ है, तो आप मेडिसिन देना चाहें तो ये टॉक्सिको दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए विनेजर है, तो ये भी बहुत अच्छा है, और ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यही है नीला थोथा जिसे बोलते हैं, और कुछ लोग इसे जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, नीला पत्थर या नीला थोथा जो भी है, आप दे सकते हैं इसको भी। और इसके बाद ये है देख लीजिए नौसादर। हाँ अगर आपका बर्ड जो है पानी कम पी रहा है और किसी भी प्रकार का उनके हाँ बीट में कोई इशू हो रहा है, तो इसको दे सकते हैं। और ये फिटकरी जो है ये भी बहुत सस्ता मिलता है, और ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो जो भी आप देना चाहें इसमें से दे सकते हैं। क्या वो गिर गया?
इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड के ऊपर डिसइंफेक्टेड करने वाले स्प्रे की। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्रोसलिन TH, तो क्रोसलिन TH और उसके बाद ये B904, तो B904 भी बहुत बढ़िया है। ये इसको आप बर्ड के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद ये देख लीजिए आप विरकोनियस, तो ये सबसे महंगा मेडिसिन है। और फिर इसके बाद ये बायो बूस्टर, तो इसमें से सबसे सस्ते की बात करें अगर तो ये बायो बूस्टर है और सबसे महंगा ये है। तो अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो ये बायो बूस्टर ले सकते हैं, फिर नहीं तो ये विरकोनियस ले सकते हैं। तो टोटल बढ़िया है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये मल्टीविटामिन की। तो मल्टीविटामिन में सबसे पहले ये सिंकारा, जो कि ह्यूमन बॉडी में यूज़ होता है, इसको पोल्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता है, लगभग 107-108 रुपए का मिलता है, और ये जो कि 500 ml। और इसके बाद वाइमेराल तो जानते ही होंगे आप। और इसके बाद ये स्ट्रेस विल, तो जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं, इसमें से सब अच्छा है। और ये देख लीजिए आप डिस्पोजल, जो कि अगर आपके बर्ड को जो है ये जो भी डिसइंफेक्टेड है, हाँ अगर आपके बर्ड को जो है उनको पिलाना है, पानी में देना है, तो अगर लिक्विड है तो इससे जो है, हाँ डिस्पोजल आपके फार्म में मस्ट है भाई। हाँ डिस्पोजल होना ही चाहिए आपके फार्म में, इससे हाँ एक्चुअल जो है एक्चुअल क्वांटिटी इससे निकल जाता है। बाकी अगर हाँ एक सेकेंड ये थोड़ा निकाल दीजिए। हाँ बाकी इससे अगर हाँ नापते हैं तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये डिस्पोजल से एकदम एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये डिसइंफेक्टेड की, जो कि अगर बर्ड को सेल आउट होने के बाद जो है डाला जाता है, तो ये देख लीजिए X185, ये बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका बर्ड सेल आउट हो गया है तो इसको डाल सकते हैं, या फिर फार्मोलिन जो भी है आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास अभी यही है। और ये मॉर्टिन, तो देख लीजिए यही है। अगर आपके फार्म में अभी तो मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, और फार्म में अगर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, और हाँ हम जो है इसको कुछ जगहों पर लगा देते हैं तो कुछ हद तक कम हो जाता है, और बाकी मैं कभी कभी नहीं रहता है ये हमारे फार्म पे, तो वो भूसी जो होता है हमारे ये लीटर वेस्टेज लीटर, तो उसको लाके ऐसा मतलब ऐसा धुआं कर देते हैं, तो उससे भी कुछ हद तक ये मच्छर कम हो जाते हैं। इसके बाद ये अपना EKRC, जो कि विटामिन ई है, ये जो है पानी की कमी को दूर करता है और उनको जो है भरपूर एनर्जी देता है, और बीट वगैरह भी बहुत अच्छा रखता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको तो आप ये भी दे सकते हैं। इसके बाद ये हिमसी, जो कि अभी कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई ये गर्मी में कौन सी मेडिसिन हम देंगे ये इनको जो है ठंड होने के लिए, तो यही है देख लीजिए हिमसी, जो कि विटामिन सी है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये जो है पोल्ट्री के बॉडी को जो है ये पोल्ट्री के बॉडी का टेम्परेचर जो है मैनेज करता है, उसको जो है मतलब ठंड करने की कोशिश करता है। तो ये जो है आप हाँ गर्मी में दे सकते हैं एकदम। और इसके बाद है अपना ये कालपाल, अगर पोल्ट्री का बॉडी गर्म है या फिर उसमें जो है कुछ बुखार टाइप का सिम्टम्स दिख रहा है तो आप इसको कालपाल दे सकते हैं। और अगर जो है हीट स्ट्रोक, जैसे ये गर्मी में जो है बर्ड जो है पलट के मर जाते हैं, तो उन सब पे ये दोनों मेडिसिन दे सकते हैं, तो उससे आपका हीट स्ट्रोक में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये देख लीजिए अम्बीप्लक्स है और एनोबोलाइट पी है, और इसके बाद ये वेंट्रीप्लेक्स M4X है। तो इसमें से अगर सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता की बात करें तो ये है, जो कि वेंकीज कंपनी का है, और बाकी कोई सा भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम लास्टली बात करने वाले हैं जो जो बर्ड को जो है यहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उस पर ये जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन देख रहे हैं आप, यही है। और इसके बाद हाँ इसके साथ में जो है ये अपना मल्टीविटामिन लगता है हाइविट प्लस, तो यही मेडिसिन हमारे पास है। तो इसमें जो है अगर हाँ ये बहुत ज़्यादा कुछ बैक्टीरियल है आपके फार्म में, जैसे जो है हार्ड जो है सीआरडी हार्ड जो है एकोलाई, तो इसमें हाँ इसका यूज कर सकते हैं आप इंजेक्शन के रूप में। तो बस दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये सब जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ यार सब्सक्राइब किए बिना आज मत जाना प्लीज़, बहुत मेहनत लगा है आज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।